अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। तुर्की की टेक्नोलॉजी में एक और चीज़ एडिशन हुई है, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है आजकल, वो है एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत ही यूनिक कहा जाता है और उसका नाम है रोबोसिम। और रोबोसिम ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और लीथल है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, एक वीडियो आई है, तो फ़ौरन चलाते हैं और देखते हैं कि उसमें ऐसी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इसके बारे में। ASELSAN'ın Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi tesisinde bulunuyoruz. Bünyemizde geliştirilen hava savunma sistemlerin çok daha etkin bir şekilde test ve entegrasyonu yapmak amacıyla burada çeşitli test altyapılarımız bulunuyor. Bu test altyapılarımızdan bir tanesi de Robosim Dinamik Hedef Test Altyapısı. Bu altyapının dünyada eşi ve benzeri bulunmuyor. Bu altyapıyla hava savunma sistemlerinin çeşitli saldırı senaryoları altında etkinliğini test edebiliyoruz. Sahip olduğumuz yetenekle uzaktan gelen bir füzeyi, bir uçağı, herhangi bir hava objesini, manevraları da dahil olmak üzere radar sistemlerimizle, elektrooptik sistemlerimizle etkinliğini görebiliyoruz. Bu yetenek bizim açıkçası hava savunma alanındaki gücümüzü çok daha üst seviyeye taşıyacaktır. Hani sadece radar araması için mi kullanılıyor, yoksa vuruş kabiliyeti de test ediyor? Burada füze atışı tabii ki işin doğası gereği olmayacak. Fakat füze dışındaki tüm hava savunmanın angajman senaryosunu burada koşma şansımız olacaktır. Burada radar ve dediğim gibi elektrooptik sistemleri için bertaraf edilmesi gereken hedeflerin simülasyonu, benzetimleri açık alanda yapılabilecektir. Bu yetenek dediğim gibi dünyada yoktur. İlk defa Türkiye'ye bu sistemle biz kazandırmış olduk. कौन सी फिल्म थी, ट्रांसफॉर्मर? हाँ, ट्रांसफॉर्मर की मेरी याद आ गई है कि इससे पूरी चीज रोबोट रोबोट बन जाता है। इसे पेंडुलम नहीं होता उस तरीके से, कोई मतलब निशाने की टेक्नोलॉजी है ये, ऊपर से प्रॉपर वो रडार है, इंफ्रारेड।
गाइड करेंगे निशाने का। यस बोले मिसाइल मारे। हां उसमें भी लोग बैठे हुए हैं। कितने दिन कितनी रातें। सेम बनाया उन लोगों ने। सेम सेम मतलब जैसा वो दिखा रहे थे एरिया वैसे 3D में ऐसा बताया था। हाँ हाँ देखे और असलसन ने बनाया ये इस तरफ असलसन सीधा कर रहे हैं। मजे की चीज है।
ओ, मुझे तो लगा था कि ऐसे कि हाँ अभी सिर्फ मॉडल ही तैयार हुआ है, बातें हो रही हैं, हाँ लेकिन उन्होंने तो बिल्ड कर लिया है। अमेजिंग और बहुत डिफरेंट चीज़ है, वाकई हाँ यूनिक चीज़ है। ऐसा जो एयर डिफेंस सिस्टम मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ना कभी सुना है इस चीज़ के बारे में, बिल्कुल जो ये कोई टेक्नोलॉजी वो पेंडोलम्स लटक रहे हैं और वो उनके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, या फिर टारगेट जो है वो लॉक किया जा रहा है, और कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा था, क्यों फिर? हाँ बिल्कुल। और एक तरफ असलसन जो कंपनीज हैं वो हाँ उनके जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ये सब फैसिलिटी कुछ जो होता है, है। फैसिलिटी है, हाँ और उधर और दरमियान में ये बनाया जा रहा है। असलसन ने ही इसको बिल्ड किया है, अमेजिंग। यानी कि कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन, और कोई इसके मुकाबले में यूनिक नहीं है, होगा यूनिक है, वाकई में। अमेजिंग। सीरियसली हम इसकी डिटेल में भी जाना चाहेंगे मुझे अभी तक एमबीसी। सही तरह से हाँ समझ नहीं आई टेक्नोलॉजी है क्योंकि वाकई यूनिक है और हाँ बहुत डिफरेंट है, और मैं इसको सही तरह समझ नहीं पाया कि बेसिकली ये किस तरह से, काम ये कैसे कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, और हाँ बहुत ही ये वो कहते हैं क्रिटिकल टाइप की कोई चीज़ है, यानी कि लेंथ ही है, समझ आने हाँ में टाइम लगेगा इंसान को, क्योंकि यूनिक चीज़ हमेशा आपको देर से समझ आती है। तो वाकई बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, और एक बार फिर हमारी तरफ हम से आप सबको चौंक मुबारकबाद कि गए। एक और आपने अचीवमेंट कर ली है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यस और ये भी बहुत यूनिक है, और हम दुआ करते हैं कि ये बिल्कुल कामयाबी से जो है ये फंक्शनल हो जाए और इंशाल्लाह। ऑपरेशन कर सके। तो हाँ थैंक यू सो मच, जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। Hold up.